हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवीन। वेलकम टू माय चैनल नवीन प्लानेट। सो आज हम हैं हुमा टेम्पल में, विच इज़ लोकेटेड इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। ये संबलपुर से 25 किलोमीटर दूरी पर है। तो दिस इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर महानदी, एंड यहाँ पे बाबा बिमलेश्वर का पूजा किया जाता है। एंड यू कैन सी हियर, दिस इज़ द ओनली लीनिंग टेम्पल ऑफ इंडिया, एंड मैनी मोर मिस्ट्रीज आर देयर। आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो हमारा सफ़र शुरू होता है संबलपुर से। तो हुमा जाने के लिए हमें सोनपुर लाइन पकड़ना होगा। तो जैसे हम निकलते हैं तो टाउन में हमें मिलेगा धनुपाली चौक। तो ये है धनुपाली चौक। यहाँ से हमें राइट टर्न लेना होगा। तो जैसे हम राइट टर्न लेते हैं तो ये सीधा रास्ता आपको सोनपुर लाइन लेके जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है हुमा टेम्पल 22 किलोमीटर। तो इसी लाइन में हमें जाना होगा। तो जैसे इसी लाइन में हम आगे जाते हैं तो 9-10 किलोमीटर बाद आप देखेंगे एक रास्ते में हैंडीक्राफ्ट, जो कि आप देख सकते हैं बहुत सुंदर, कलरफुल, यू नो, हैंडमेड, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ थोड़ी देर रुक के फिर हम निकल पड़े वही सोनपुर लाइन में, और ये पहुँच गए हम हुमा बस स्टॉप। यहाँ से हमें राइट टर्न लेना होगा। तो यहाँ तक होता है 22 किलोमीटर। फिर फ्रॉम हियर टू हुमा टेम्पल इट इज़ 2.8 किलोमीटर। जैसे रास्ते पे जा रहे थे एक नया वाला टेम्पल हमें दिखाई दिया। टेम्पल क्रॉस करने के बाद फिर आपको एक जगह पे रुकना पड़ेगा, जो कि है हुमा टेम्पल पार्किंग फ़ी देने के लिए। यहाँ कार के लिए 35 रुपीज़, ऑटो के लिए 15 रुपीज़, और अगर बड़ा गाड़ी है तो देन इट 70 रुपीज़। तो फाइनली हम पहुँच गए हुमा टेम्पल के सामने। आप यहाँ पे अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं, और ये मंदिर जाने के लिए पूजा सामान यहाँ से ले सकते हैं। और ये जो है फ्रंट गेट, इधर से भी आप एंटर कर सकते हैं। अब आपको दिखाएंगे ये जो फ्रंट गेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बाबा बिमलेश्वर। तो हम मंदिर बाद में जाएंगे, पहले मंदिर के पीछे जो महानदी रिवर है वहाँ पे कुडो फिश देखेंगे। फिर थोड़ा काली मंदिर होके फिर मंदिर के अंदर आएंगे। लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा का नाम सुना था, जो कि इटली में है। इसका इंक्लिनेशन 4 डिग्री है। या तो फिर रत्नेश्वर महादेव टेम्पल है, जो कि वाराणसी में है। उसका इंक्लिनेशन 9 डिग्री है। बट ये लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा, ये तो सबसे ज़्यादा 13.8 डिग्री इंक्लिनेशन है। तो मंदिर के पीछे वाले रास्ते पे आ गए। तो यहाँ से फिर हम चलेंगे महानदी की तरफ, और यहाँ से फिर हम जाएंगे काली टेम्पल। यह है बोट घाट, जहाँ से आप जा सकते हैं काली टेम्पल। ये जो यहाँ पे इसको बोलते हैं कुडो फिश, कुडो मछली। देखना अभी कैसे खाने आ जाएंगे। इनका बहुत सारे नाम भी दिया गया है। जब शिवरात्रि के टाइम पे इनका पूजा होता है, जो पुजारी होते हैं ना, इनका नाम लेके बुलाते और एक खा लेते। काओ काओ। तो अभी हम नाव में जाएंगे। तो ये काली मंदिर 20 रुपीज पर पर्सन। अभी हम बोट घाट से जा रहे हैं टू द काली मंदिर। कम डिस्टेंस है लेकिन अच्छा लगता है। बहुत दिन हो गया वैसे भी नाव में नहीं बैठा। तो अभी हमारा टाइटेनिक बोट पहुंच चुका है टू द काली मंदिर। ऊपर जाके दिखाते हैं आपको। ये हमारे साथ थे, सेफली हमें पहुंचाए टू द काली मंदिर। अपन का नाट आ गया, हमारे साथ है अक्रूर पांडे जी। चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये जो इमेज है यहाँ पे, इसका एक स्टोरी ये है कि ये औरत जब यहाँ से मछली पकड़ के जाके काटने वाली थी तो खुद पत्थर बन गई, तो ऐसा माना जाता है। काली मंदिर से ये नज़ारा बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो हमारा अभी जाने का टाइम हो गया काली मंदिर से, तो हमें रिटर्न कर रहे हैं। तो 20 रुपीज़ में आना और जाना, ये तो बहुत ही चीप है, इट्स वेरी सस्ता। और इसी तरह हम पहुंच गए फिर से बोट घाट। जो है महानदी रिवर, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स साउथ टुवर्ड्स कटक एंड फाइनली फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। अभी पानी कम है बिकॉज इट इज़ समर सीजन, बट ड्यूरिंग रेनी सीजन ये पूरा डूब जाता है, लेकिन ये अच्छा ही नज़ारा है। लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी। तो ये माना जाता है कि ये जो महानदी है, महानदी के उस पार एक गांव हुआ करता था, तो उस तरफ से एक गाय महानदी क्रॉस करके रोज़ इधर आके एक पत्थर के ऊपर रोज़ दूध देती थी। दूध दे के फिर वो चली जाती थी। तो उसके मालिक को शक हुआ कि ये जो गाय है, इसकी क्वांटिटी ऑफ मिल्क, जो दूध देने की क्वांटिटी है, वो धीरे धीरे कम क्यों हो जा रहा है। तो ये जानने का प्रयास किया और मालिक ने पीछा किया कि आखिर ये कहाँ दूध दे रही है। फिर मालिक देखता है कि गाय जो है एक पत्थर के ऊपर खड़ी होकर दूध दे रही होती है। तो एंड वो जो पत्थर है वो पूरा शिवलिंग जैसा होता है, उसी आकार का होता है। तो मालिक को लगता है कि यहाँ शिव जी का कुछ है। तो उसी दिन से मालिक भी वहाँ पे पूजा करने लगता है। और तो ये जो बात है ये राजा के कानों पहुँचता है। तो राजा एक दिन आके देख के जाते हैं। फिर उसी दिन राजा को सपना आता है और सपने में शिव जी आदेश देते हैं यहाँ पे एक मंदिर बनाने के लिए। तो तब से फिर ये मंदिर बनाने का प्रक्रिया शुरू होता है। कहाँ पे थे? मंदिर। तो मंदिर तो बन गया, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है इट इज़ नॉट स्ट्रेट, ये थोड़ा टिल्टेड हो गया है। तो ये है मेन मंदिर, मुख्य मंदिर ये है, और इसके आसपास में और भी मंदिर सब है, वो भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट हो गए हैं। खाली मंदिर नहीं, इसका जो बाउंड्रीज भी है, ये बाउंड्रीज सब भी एक तरफ टिल्ट हो गए हैं। तो ये जो टिल्ट हो गया है, टेढ़ा हो गया, इसका रीज़न अभी तक पता नहीं चला। इफ विल सी द जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और जियोलॉजिकल रीजन्स मे बी महानदी रिवर का फ्लड करेंट ऑफ महानदी रिवर, या तो फिर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स। जहाँ भी ये मंदिर है इसके नीचे हो सकता है जो भी रॉक्स है उसका डिस्प्लेसमेंट हो, बट अभी तक देयर इज़ नो क्लियर कट रीज़न व्हाई दिस टेम्पल इज टिल्टेड। तो यही इसकी खासियत है, दिस इज द मिस्ट्री इज स्टिल अनसॉल्व्ड। तो यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, लोकल विलेजर्स और जो पूजा करते हैं, उनके हिसाब से लास्ट 40-50 साल हो गया ये जो मंदिर टिल्ट हो गया है भाई, ऐसा ही है। और देखा जाए तो ये 13.8 डिग्री टिल्टेड है, और इसके आसपास जो भी मंदिर है ये भी टिल्ट होके हैं। तो रिसर्च इज गोइंग ऑन, व्हाट आर द रीजन्स और व्हाट मे बी द रीजन्स ऑफ दिस टिल्टिंग स्ट्रक्चर्स। अगर इंडिया में देखा जाए तो आई थिंक दिस इज द ओनली वन, एक ऐसा मंदिर है जो टिल्ट होके है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड द लीनिंग टेम्पल ऑफ इंडिया। ये जो गांव है ये हुमा विलेज इज देयर। और एक बार बता दे रहा हूँ, दिस इज़ 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम संबलपुर। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो है ये भी टिल्टेड होके है, और इसके साथ साथ जो आपके जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज भी टिल्ट होके है। इट्स ऑल अबाउट हुमा टेम्पल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। यो अरे बाबू यार फोटो जा यार 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 यार